क्लास 6 के स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर 30 तक। एक्सरसाइज 1C का एक क्वेश्चन है, इसमें 30 क्वेश्चंस थे। पिछले वीडियोस को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके पिछले चैप्टर्स या पिछले एक्सरसाइजेस के स्टडी कर सकते हैं, या यहाँ पर जो प्ले का आइकन राइट साइड के कॉर्नर में बन के आता है, आप उस पर क्लिक करके सारी प्लेलिस्ट पा सकते हैं और वहाँ से भी आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपनी चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखें। 27 क्वेश्चन पर है कि फॉर मेकिंग 8 ट्राउजर्स ऑफ द सेम साइज 14 मीटर 80 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ इज नीडेड। How much cloth will be required for each such trouser? Trouser is a kind of pant, ठीक है ना? तो 8 trouser cloth in 8 trousers is equal to 14 meter 80 centimeter. So cloth in one trouser क्लॉथ इन वन ट्राउजर इज इक्वल टू 14 मीटर 80 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 8। तो बेटा आप यहाँ पे मीटर लिखोगे, सेंटीमीटर, और आप 14 मीटर 80 सेंटीमीटर को 8 से डिवाइड करें। 8 बन जाए 8, 14 माइनस 8 इक्वल टू 6, ठीक है ना? ये मीटर में आ गया। अब इसको यहाँ ले जाना है, तो सेंटीमीटर कैसे क्या करेंगे? एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें 600, और यह 80 यहाँ ला के प्लस कर दीजिए, तो हो गया 680। कितना हो गया? 680। और इसी 8 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 8 8 जा 64, 4 0 8 5 जा 40। तो देखिए ये आंसर मीटर में होगा और ये आंसर सेंटीमीटर में होगा। 1 meter 85 centimeter of cloth for one trousers। इस तरह से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 27 आपने सॉल्व किया। मैं समझता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आ गया, इसका मेथड भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 28 देखें। The mass of brick is 2 kilogram 750 ग्राम। एक कोई ब्रिक है, उस ब्रिक का जो वेट है वो 2 किलोग्राम 750 ग्राम है। आपसे कह रहा कि 14 ब्रिक्स की बताइए, देन आप यहाँ पे लिखें दी मास। मास मीन्स वेट, मास ऑफ वन ब्रिक, वन ब्रिक इज इक्वल टू 2 किलोग्राम 750 ग्राम। देन आप यहाँ नोट कर लें द मास ऑफ 14 ब्रिक्स, इसके लिए क्या हो जाएगा? किलोग्राम और ग्राम, 2 किलोग्राम 750, और इसको आप 14 से करेंगे मल्टीप्लाई। 14 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होगा? 4 0 जा 0, 4 5 जा 20, 28 2 30, कैरी 3, 4 2 जा 8 3 11, 1 से करिए 0, 5 एंड 7 एंड 1 2 जा 2, आप प्लस कर लीजिए 0 0 5 7 1 8 एंड 2 1 3। तो जो टोटल वेट होगा 14 ब्रिक्स का वो 38 किलोग्राम एंड 500 ग्राम होगा। मैं समझता हूँ स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन 29 करेंगे। इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से कॉपी कर लें। क्वेश्चन नंबर 29, द टोटल मास ऑफ 8 पैकेट ईच ऑफ सेम साइज इज 10 किलोग्राम 600 ग्राम, ठीक है? वॉट इज़ द मास ऑफ ईच पैकेट। जब भी वन की बात पूछी जाए तो हमेशा डिवाइड करते हैं। देन आप यहाँ नोट कर लें दी मास ऑफ
8 packets is equal to 10 kilogram 600 gram. The mass of one packet is equal to, आप देखो किलोग्राम और ग्राम लिख लो, 10 किलोग्राम और 600 ग्राम, यहाँ पे आप 10 किलोग्राम लिख लीजिए, राइट ना, और डिवाइड किससे कर दें आप, 8 से कर दें बस। तो यहाँ पे 10 है, कितना है यहाँ पे 10, तो 8 वन जा 8, 10 माइनस 8 2। हम ये जानते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000। इस नंबर को बेटा यहाँ लाओ और प्लस कर दो, प्लस करने पर क्या हो जाएगा, ये 2600। अब इस 8 से इसको डिवाइड कर दो, 8 थ्री जा 24, 2 आ गया, 0 आ गया, और 8 टू जा 16, 10 माइनस 6 इक्वल टू 4, 0, 8 फाइव जा 40। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा 40। अब यहाँ जो आंसर होगा वह हो जाएगा कि द वेट ऑफ वन पैकेट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा 1 किलोग्राम, और यहाँ से हम ले लेंगे 325 ग्राम। मैं समझता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझें तो आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है, अ रोप ऑफ लेंथ 10 मीटर हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 8 पीसेस ऑफ द सेम लेंथ, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच पीस। कोई रोप है और ये 10 मीटर लॉन्ग है, ठीक है ना, समझ में आकर ये है, और इसमें से वन पीस कर लिया, फिर टू पीस कर लिया, फिर थ्री पीस कर लिया, और सभी की लेंथ कैसी है, इक्वल है, इस तरह से हम कैंसिल इसको काटते हुए चलेंगे। आपको बताना है कि जो एक पीस लेंथ आपने काटी उसका जो लेंथ होगा एक पीस का वो कितना जाएगा। तो आप लिख दें यहाँ पे टोटल लेंथ इज इक्वल टू 10 मीटर, नंबर ऑफ पीसेज इक्वल टू 8 हो गया। तो बच्चे यहाँ पर जाएगा लेंथ ऑफ पीस इज इक्वल टू 10 मीटर डिवाइड बाय 8। 10 को 8 से डिवाइड करो, 8 वन जा 8, 10 माइनस 8 इक्वल टू 2, पॉइंट ले लीजिए 0, 8 टू जा 16, 4 आ गया, पॉइंट है 0, 8 फाइव जा 40, कैंसिल आउट हो गया, आंसर 1.25 मीटर इज द लेंथ ऑफ वन पीस। मैं समझता हूँ स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ गया होगा। इस वीडियो के सारे क्वेश्चन प्रीवियस वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पर जो आई का आइकन बनकर आता है उस पर क्लिक करें, देखें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने सभी क्वेश्चंस के लिंक्स दे दिए हैं, आप वहाँ से क्लिक करके अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो और ख़ुद की स्टडी बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हो। थैंक्स टू वॉच।